जिन लोगों को चर्म रोग है, अगर वो लोग भस्म लेकर आए और उस भस्म से अपने अंग पर, उस अंग पर लगाएं जहां चर्म रोग है, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ही होलिका की भस्म अंग पर लगेगी तो होलिका की भस्म इतनी शक्तिशाली होती है कि भस्म में शरीर के अंदर स्थित दूषित द्रव्य सोख लेने की क्षमता होती है। जो दूषित हमारे कीटाणु हैं या कुछ भी है, उन्हें सोख लेने की क्षमता इस भस्म में होती है। इस कारण ये भस्म लेपन करने से कई प्रकार के चर्म रोगों को दूर कर देती है। तो चर्म रोग जिनको हो, उन्हें इस भस्म को लाकर अवश्य ही ये कार्य करना चाहिए। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी जिनकी बिजनेस बढ़ नहीं रहा, जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी जिनकी मिल गई है, जिनको पदोन्नति नहीं हो रही है, जिनको लगता है कि पदोन्नति नहीं हो रही है, उन लोगों को देखो, ये जो भी हम आपको उपाय बता रहे, इनको आप भी करें और अपने लोगों तक भी पहुंचा दें। हो सकता है आपके एक प्रयास से उन लोगों का भला हो सकता है। तो जिनके बिजनेस में दिक्कत है, जिनके नौकरी में तकलीफ है, जिनको पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, ऐसे लोगों को, जिनको कईयों को प्रमोशन नहीं मिल पाता है, उन लोगों को होलिका दहन के समय बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए। सरसों के दाने अपने हाथ में लेकर, जिस समय होलिका दहन हो रहा हो, अग्नि जल रही हो, 7 times क्लॉकवाइज अपने ऊपर ऐसे बार कर, क्लॉकवाइज ऐसे करके अपने ऊपर से, या जिसको पदोन्नति चाहिए या जिसको बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो रही है उनके ऊपर से 7 times क्लॉकवाइज घुमाकर परिक्रमा करके होलिका के, और उस सरसों के दाने को होलिका में सुहा कर देना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स प्रहलाद जी के चरणों में, नारायण भगवान के चरणों में और होलिका देवी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। आपके बिजनेस में कुछ ही दिन में परिवर्तन होना आपको दिखना लग जाएगा इसमें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, आपका वीडियो में स्वागत है। आज है होलिका दहन का दिन। कहा जाता है होलिका की जो अग्नि होती है वह बहुत ही पवित्र होती है और सकारात्मकता की ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। वीडियो में होलिका दहन के कुछ उपाय बताए गए हैं जो आप जलती हुई होलिका में कर सकते हैं। यदि आपको चर्म रोग है या त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या है तो होलिका दहन के दिन आप यह उपाय जरूर करें। होलिका की जो राख होती है वह आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होती है। होलिका दहन के बाद आप होलिका की थोड़ी सी राख उठाकर ले आएं और उस भस्म को अपने शरीर पर लगाएं जहां आपको कोई भी चर्म रोग है। ऐसा करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय बिजनेस, व्यापार, नौकरी आदि से संबंधित है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है या आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो होलिका दहन के दिन आप यह उपाय जरूर करें। जब होलिका जले तभी आपको यह कार्य करना है। आपको लेना है सरसों के दाने, आपको पीली सरसों लेना है और अपने हाथों में ले लेनी है। जिस व्यक्ति को समस्या है यह कार्य वह स्वयं करे। उस सरसों के दाने से आपको अपने ऊपर 7 बार उतारा कर लेना है। आपको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ही उतारा करना है। होलिका की परिक्रमा करें और सरसों के दानों को जलती हुई होलिका में डाल देना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम आशा करते हैं आपको छोटे छोटे उपाय समझ आ गए होंगे। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।